हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टेस्टी रबड़ी जैसी खीर की रेसिपी लेके आए हैं। तो ये खीर बनाना बहुत ही आसान है, तो एक बार घर पे जरूर ट्राई करना खीर बना के। और चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं खीर बनाना। तो खीर बनाने के लिए हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं। तो इस दूध को 10 मिनट उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं, तो इन चावलों को हम 2-3 बार अच्छे से धोएंगे। इन चावलों को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया है और दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम दूध के अंदर चावलों को डालेंगे। तो अब हम इनको 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो खीर पकते हुए 10 मिनट हो गई है। तो अब हम 1 कप चीनी डालेंगे खीर में और आधी छोटी कटोरी ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, आप अपनी पसंद से डाल सकते हो। तो अब खीर को 5 मिनट और पकाएंगे। तो खीर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम फूड कलर डाल रहे हैं। तो हमारे पास पीला कलर का फूड कलर है, तो ये डाल रहे हैं। आप कोई भी फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हो। तो फूड कलर को हम खीर में अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, टेस्टी रबड़ी जैसी खीर बनके रेडी हो गई है। तो एक बार ये खीर इस तरीके से आप घर पे जरूर ट्राई करना। चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई रेसिपी के साथ।